बड़ी खबर लखनऊ से है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि खांसी, बुखार और सांस के रोगियों की कोविड जांच होगी। आपको बता दें कि कोविड के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। मरीजों की रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। क्रिसमस न्यू ईयर को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि क्रिसमस न्यू ईयर को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। क्रिसमस न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर लोगों की भीड़ जुटेगी, इसलिए गाइडलाइन जारी की गई है। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटेगी। सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को भी निर्देश जारी किए गए हैं। पॉजिटिव केस में जीनोम सीक्वेंसिंग भेज के सैंपल भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि जो कोरोना के पॉजिटिव केस है उसके लिए सैंपलिंग भेजी जाएगी। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है प्रदेश सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कोविड का नया वेरिएंट जो आ गया है लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश का जो पहला केस वो लखनऊ में मिला है, तो जाहिर सी बात है कहीं की सरकार कोरोना के लेके क्योंकि सजग है। दो वेव जो है कोरोना की झेल चुकी है, हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर बात है पहले से ही शासन प्रशासन जो अलर्ट है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है क्योंकि क्रिसमस है, कटे है 25 सितंबर को और न्यू ईयर आने वाला है। ऐसे लोग घूमने टहलने निकलते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो गाइडलाइन ही कर दी गई है ज्यादा भीड़ जो है। दूसरा, क्रिसमस को देखते हुए क्योंकि गाइडलाइन जारी, तो जाहिर सी बात इन संदर्भ पर लोग जो भीड़ जुटेगी उससे कहीं कहीं बचा जाए। दूसरा, अगर खांसी जुकाम होता है तो उसका पहले टेस्ट कोरोना का कराया जाए, उसको सिंपल खांसी जुकाम जो है वो न समझा जाए। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव जो केस होंगे उनका जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसका सैंपल जो है वो भेजा जाएगा। तो फिलहाल गाइडलाइन जारी हो गई है और गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को चलना होगा। दिवाकर, क्या प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय है? इस बात है कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंता के विषय है। आपने देखा होगा स्वप्निल की पहली वेव जब कोरोना की आई थी उस वक्त काफी तो उससे ज्यादा खतरनाक थी, और जाहिर बात है कि जिस हिसाब से कोरोना केस बढ़ने लग रहा है कि तीसरी वेव जो आ सकती है तो हो सकता है वो भी खतरनाक हो। इसलिए अभी लोगों को संभल के चलना पड़ेगा, कहीं की सरकार उसे कदम बढ़ा रही है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपा नेता आजम खान के भविष्य पर आज फैसला होगा। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान के भविष्य को लेकर आज फैसला होगा। आज सेशन कोर्ट आजम की अपील पर सुनवाई करेगी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट की अपील थी। आपको बता दें कि आज आजम खान के लिए भविष्य का फैसला हो सकता है। आजम खान ने खुद की पत्नी व बेटे की सजा पर अपील की है। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला भी सामने है। सपा नेता आजम खान के भविष्य पर आज फैसला होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्थानीय संपादक दिवाकर जुड़ चुके हैं। पेशी है और आज क्या कुछ जानकारी है आजम खान की, जैसे कि आज पेशी है दिवाकर, और क्या कुछ पूरी जानकारी है इसके विषय में? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि आजम खान, उनका पत्नी, उनका बेटा, यानी कि आजम खान की पूरी फैमिली जो है वो सजा उसको हो चुकी है। कई मामले ऐसे हैं जिसमें से सजा हुई और जेल में है। तो आज आजम खान ने एक मामला जो बेटा जो उनका आजम है उसके 2 जन्म प्रमाण पत्र का है, उस मामले में सजा उसको लेकर अपील दायर की थी सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में अपील के बाद आज उस पर सुनवाई होनी है। आजम खान ने साफ तौर पे अपने अपील में कहा था कि इस मामले में उनके पत्नी, उनके बेटे और उनको बरी कर दिया जाए क्योंकि कोई इसमें गलत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपील की गई थी, आज उसकी सुनवाई, देखना ही होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है। लेकिन इतना जरूर है कि आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें रोजाना बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को एथेंस भेजा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर प्रिय मित्र मैक्रों के स्वागत के लिए उत्सुक है, पीएम ने कहा है।
मैक्रों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी पीएम को धन्यवाद दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को संदेश भेजा है। गणतंत्र दिवस पर प्रिय मित्र मैक्रों के स्वागत के लिए उत्सुक है, पीएम मोदी ने कहा है। मैक्रों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को संदेश भेजा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता भेजा है। गणतंत्र दिवस पर प्रिय मित्र मैक्रों के स्वागत के लिए उत्सुक हूँ, पीएम मोदी ने कहा है। मैक्रों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से है। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को संदेश भेजा है। फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। गणतंत्र दिवस पर प्रिय मित्र मैक्रों के स्वागत के लिए पीएम मोदी ने कहा है कि मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैक्रों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मैक्रों ने भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को संदेश भेजा है। गणतंत्र दिवस पर प्रिय मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पीएम मोदी उत्सुक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय राजन जुड़ चुके हैं। तो सर, क्या कुछ फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बड़ी उपलब्धि के रूप में पीएम मोदी का हर एक कदम होता है देश के सामरिक और आर्थिक महत्व के नजरिए से अगर देखा जाए तो सोवियत रूस के बाद फ्रांस सबसे बड़ा विकल्प के रूप में भारत के साथ मौजूद रहता है। इमैनुअल मैक्रों का आना गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक डिप्लोमेटिक विजय है पीएम मोदी और उनकी सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश भी भेज दिया है इमैनुअल को और कहा है कि मेरे प्रिय मित्र का स्वागत करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, और वहां से भी गर्मजोशी के साथ धन्यवाद आया है। यानी कुल मिलाकर फ्रांस और भारत के बीच जो रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं उसमें एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ये एक वैदेशिक नीति अपनी तय की थी जिसमें साफ तौर पर किया था कि अगर सोवियत रूस हमारे साथ नहीं रहता है तो उसका विकल्प कौन होगा। उस समय फ्रांस को लेकर के चर्चा हुई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और इमैनुअल मैक्रों का आना निश्चित तौर पर एक सुखद एहसास देगा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में, बल्कि सामरिक और डिप्लोमेटिक एक तरह से कहा जा सकता है कि सशक्त भारत के बुनियाद की ओर आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम है जो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी सरकार की अहम पहल है। आपको बता दें कि योगी सरकार की अहम पहल है, दावोस में दुनिया यूपी के विकास की झलक देखेगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार की पहल है, दावोस में दुनिया यूपी की पहल देखेगी। पहली बार यूपी विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में शामिल हो रहा है। यूपी पवेलियन में यूपी के विकास संस्कृति की झलक दिखेगी। 14 से 20 जनवरी तक दावोस में आयोजन होने जा रहा है जिसमें यूपी की झलक देखने को मिलेगी। निवेश के लिए योगी सरकार बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। योगी सरकार की ये जो अहम पहल है दावोस में जो आयोजन होने वाला है उसकी क्या कुछ पूरी जानकारी है? योगी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश फैलाया जाए। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अकूत संभावनाएं हैं पूंजी निवेश को लेकर के। जिस तरह से योगी सरकार पिछले जो समिट हुए थे उसमें एक भारी भरकम रकम उन्होंने पूंजीपतियों और निवेशकों से हासिल करने में सफलता हासिल की है। ये पहला अवसर होगा, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है जब किसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम पर यूपी का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। दावोस स्विट्जरलैंड में ये आयोजन होने जा रहा है 14 से 20 जनवरी तक अगले साल।
इसमें यूपी का पेविलियन वहां पर देखने को मिलेगा। हम अपनी संस्कृति और हमारे जो विकास को लेकर के जो हमारी सोच है उसे हम वहां पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि योगी सरकार की ये काफी बड़ी और काफी अहम फैसला है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश के किसी आर्थिक मंच पर यूपी अपना प्रतिनिधित्व देने जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर पूंजी निवेश का भरपूर फायदा यूपी में होता है तो यूपी के लिए जो कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश बन सकता है, उत्तर प्रदेश वाकई वो उस राज्य सर हो जाएगा। बड़ा निवेश का प्लेटफॉर्म तैयार किया है योगी सरकार ने और पहली बार यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, वो किसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम पर अपना रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। मोहम्मद अब्दुल अव्वल की 7 दिन की एटीएस रिमांड मंजूर कर दी गई है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों को देश में बसाने का आरोप लगा है। मंगलवार को अब्दुल अव्वल की गिरफ्तारी हुई थी। 7 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड में अब्दुल लिए गए हैं। आपको बता दें कि 7 दिन की एटीएस की कमांड में अब्दुल लिए गए हैं। अब्दुल से मोबाइल डेटा के आधार पर पूछताछ की जा रही है। अब्दुल अव्वल के बैंक खातों के बारे में भी पूछताछ होगी। आपको बता दें कि अब्दुल अव्वल से लगातार पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद अब्दुल अव्वल की 7 दिन की एटीएस रिमांड मंजूर कर दी गई है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों देश में बसाने का आरोप लगा है। मंगलवार को अब्दुल अव्वल की गिरफ्तारी हुई थी। बड़ी खबर हमीरपुर से है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। अपराधी की 15 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। 15 लाख की जमीन कुर्क कर दी गई है। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। आपको बता दें कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी। प्रशासन ने 5 दुकानों को कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई है। अपराधी हीरू मोहन उर्फ हल्के राजपूत पर भी कार्रवाई की गई है। जरिया थाना क्षेत्र के सरेला कस्बा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि अपराधी की 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है? देखिए स्वप्निल, ये पूरा मामला हमीरपुर के आज जरिया थाना क्षेत्र के सरीला गांव का बताया जा रहा है। यहाँ के एक गैंगस्टर हरी मोहन उर्फ हल्के राजपूत है जिनकी जो है संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई है। शासन के निर्देश पर यहाँ के जिला प्रशासन ने इस गैंगस्टर की तकरीबन 15 लाख रुपए की संपत्ति वो कुर्क की है। बताया जाता है कि सड़क किनारे इसने अवैध तरीके से 5 दुकानें बना रखी थी जिस पर जो है जिला प्रशासन ने संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस गैंगस्टर पर हत्या और लूट और लोगों को डराना धमकाना जैसी तमाम जो है मुकदमे यहाँ जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये यहाँ की पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है। ब्रिजेश, प्रशासन इतना सख्त है फिर भी ये जो गैंगस्टर है ये पनपते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? देखिए, शासन की पूरी तरीके से मंशा है कि अपराध और अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जा सके, जिसके तहत शासन के निर्देश पर समय समय पर धरातल पर कार्रवाइयां भी होती है। जितने भी गैंगस्टर अपराधी हैं उन पर लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई करता है और उन या तो योगी सरकार के भय से उत्तर प्रदेश से जो है अपराधी दूर चले गए या तो फिर उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया। इस तरीके की जीली टॉलरेंस की जो है यहाँ धरातल पर काम हो रहा है। स्वप्निल जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। बदमाशों ने घर में लूटपाट की है। आपको बता दें कि बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की है। महिला को गन पॉइंट पर बंधक बनाया। आपको बता दें कि महिला को गन पॉइंट पर बंधक बनाया, घर में घुसकर लूटपाट की है। नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि नकदी समेत सोने चांदी पर भी हाथ साफ किया गया है। महिला के विरोध पर बदमाशों ने गोली मारी है। घायल अवस्था में अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया और लगातार उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है और जांच तेजी से शुरू कर दी है।
शुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र स्थित नीलमथा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने घर में लूटपाट का अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने घर में लूटपाट को अंजाम दिया है, महिला को गन पॉइंट पर बंधक बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ ये पूरा मामला है कि बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट को अंजाम दिया है? देखिए, स्वप्निल, जिस तरीके से बात की जाए, राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र स्थित नीलमथा में एक सैन्यकर्मी का घर है। सैन्यकर्मी तो ड्यूटी पर था, लेकिन उस दौरान उसकी पत्नी घर में अकेली थी। इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए, रेकी करते हुए बदमाश घर के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के दौरान जो सैन्यकर्मी की पत्नी थी अंशु थी, उसको जो गन पॉइंट पर ले लिया और उसको बंधक बना करके घर में रखे ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। जबकि इस दौरान जो है उस महिला ने विरोध किया तो महिला को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो आसपास के लोग थे, उन्होंने जब इस घटना को सुना तो पुलिस को सूचना दी और सूचना देने के साथ ही जो महिला है, महिला को कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अब फिलहाल जिस तरीके से कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात की जाए, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। आज उसका ऑपरेशन भी होना है। फिलहाल इस मामले में अगर तस्वीरों की बात की जाए, पुलिस के हाथ सुराग लगे होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जो बदमाश है वो बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्योंकि राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े इस तरीके की घटना हुई और पुलिस को कानो कान भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जो बदमाश है उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो सीसीटीवी की फुटेज है उनकी मदद ली जा रही है। आसपास के जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, उनसे मदद लेते हुए बदमाशों तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बदमाशों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। और इस तरीके की घटना जिस तरीके से हुई है, वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि सैन्यकर्मी के घर पर बदमाशों ने घुसकर उसकी पत्नी पर हमला किया और उस पर फायरिंग की और लूटपाट की है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा खाली कराया, प्रशासन ने खाली कराया है। 60 करोड़ के शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा था। आपको बता दें कि 60 करोड़ की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति का कब्जा था। मखदूमपुर कैथी के मौजूद शत्रु संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 60 करोड़ की शत्रु संपत्ति पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। घर स्कूल तक खोले, यहां तक की अवैध प्लॉटिंग भी की जा रही है। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा प्रशासन ने खाली करवाया है। 60 करोड़ की शत्रु संपत्ति पर है अवैध कब्जा। आपको बता दें कि 60 करोड़ की शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा है। मखदूमपुर कैथी के मौजूद शत्रु संपत्ति का ये पूरा मामला है। सरोजनी नगर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से है। कोविड को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। एक पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य महकमा सतर्क हुआ है। शासन के निर्देश पर अस्पतालों में अलर्ट जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि एक पेशेंट मिलने पर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। खांसी, जुखाम, बुखार, सांस के मरीजों पर नजर रखी जा रही है। आलमबाग के चंद्रनगर में एक महिला में कोविड की पुष्टि हुई है। कोविड को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। एक पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य महकमा सतर्क हुआ है। शासन के निर्देश पर अस्पतालों में अलर्ट जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर अस्पतालों में अलर्ट जारी किए गए हैं। खांसी, जुखाम, बुखार, सांस के मरीजों पर नजर बनाए रखी जा रही है। आलमबाग के चंद्रनगर में एक महिला को कोविड की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि आलमबाग में एक महिला की कोविड की पुष्टि हुई है। कोविड को लेकर अस्पतालों में लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं, यहाँ तक की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। एक पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य महकमा सतर्क हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि अब शासन जो है और स्वास्थ्य महकमा है वो सतर्क नजर आ रहे हैं कोविड केसेस को लेकर? देखिए सुप्रीम, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कोविड महामारी कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक महामारी में फैल चुका था, तो ऐसे में अब एक जिस तरीके से फिर से दोबारा आलमनगर इलाके में एक मई जी को लेकर के समस्या जो को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है कि जितने भी अस्पताल है अस्पतालों में तत्काल की जो है जांच है और साथ ही जुकाम बुखार मरीज है उन मरीजों को तत्काल उनका जो है जांच कराया जाए। कोविड को लेकर अस्पतालों की और स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं?
देखिए जिस तरीके से सरकार जो व्यवस्था है उन्होंने साफ तौर पर जितने भी स्वास्थ्य विभाग के महकमे हैं उनको को तत्काल ये निर्देशित कर दिया है कि जितने भी खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित या बाहर से कुछ मरीज आते हैं उनका तत्काल कोविड का जांच कराया जाए और ऐसे में मास्क भी लगाने की हिदायत दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पहले भारत में आया था तो उसके बाद पूरे भारत में कोविड की महामारी फैली थी, ऐसे में अगर केस लखनऊ में आया तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है जिसको लेकर जी नितेश जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है तो लोगों की गैदरिंग भी बढ़ेगी, इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है सरकार ने? देखिए अभी तो एक एहतियात बरतने के लिए कहा गया, सभी को मास्क लगाने के लिए कहा गया है, जो पास के लोग हैं उनको उनके लिए खास तौर पर एक हिदायत दी गई है कि वो घर में ही है। इस तरीके से ठंड भी बढ़ेगा, अभी 3 दिन के अंदर ठंड बढ़ने की भी बात आ रही था हमें, तो ऐसे में पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस चीज को कह रहा है एक केस आया है एक से बढ़ भी सकते हैं, तो ऐसे में सतर्कता अपने हाथ में है, मास्क लगाने की पूरी तरीके से। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है, धुंध से धीमी हुई है आपको बता दें, धुंध से रफ्तार धीमी हुई है, ठंड के कारण रात में वाहनों की कतार भी कम हुई है। आपको बता दें कि ठंड के कारण वाहनों की जो कतार है वो रात में कम हुई है, अगले 3 दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों में ठंड के कम होने के बढ़ने के आसार हैं। लखनऊ व आसपास इलाकों में सर्द हवाएं चली हैं, 3 दिनों में सर्दी और बढ़ने के मौसम विभाग ने निर्देश दिए हैं, सांस के मरीजों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। धुंध से रफ्तार जो है वाहनों की वो धीरी हुई है, आपको बता दें कि धुंध से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है, ठंड के कारण रात में वाहनों की कतार जो है वो कम हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं, आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। लखनऊ व आसपास के इलाकों में सर्द हवाएं चली हैं, आपको बता दें कि शीतलहर जो है लखनऊ व उनके आसपास के इलाकों में शीतलहर चली है। सांस के मरीजों को घर में रहने की हिदायत दी गई है, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं रितेश। रितेश क्या कुछ पूरी जानकारी है कि जैसे कि शीतलहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, क्या कुछ हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से? देखिए स्वप्निल मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से दिसंबर माह चल रहा है तो दिसंबर में अमूमन ठंड बढ़ती है और अभी अगर देखा जाए तो ठंड उस तरीके से नहीं बढ़ा था, लेकिन जो मौसम विभाग की अगर माने जो वैज्ञानिक है उनका हिसाब तौर पर कहना है कि 3 दिन के अंदर अंदर ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। बाहरी जिलों की अगर बात करें तो कोहरे का भी बहुत तेज प्रकोप है, जिससे जो गाड़ियां हैं उनके आवागमन के लिए उनको साफ तौर पर से निर्देशित भी किया गया है कि जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं शून्य होती जा रही है, तो ऐसे में जो गाड़ियां चल रही थी जो रफ्तार थी वो रफ्तार भी धीमी हुई है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 3 दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने वाला है। जैसे लखनऊ की बात की जाए राजधानी में तो सर्द हवाएं लगातार 3 दिनों से चल रही है और आज कहीं ना कहीं वो सर्द हवा बढ़ी है, तो ऐसे में लगातार मौसम विभाग ये चीज चेता रहा है और रास्ते में चलने वाली जो वाहन है भारी वाहन है उनको ये निर्देशित भी किया जा रहा है, उनसे ये अपील भी की जा रही है कि अगर विजिबिलिटी ना हो तो वो गाड़ी को उस जगह पे खड़ी करें जिसको लेकर के कहीं ना कहीं रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाम की कालाबाजारी पर रोक को लेकर फैसला आया, बड़ी खबर लखनऊ से है। पोस्ट ऑफिस में ई स्टाम्प भी मिलेंगे, आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में ई स्टाम्प भी मिलेंगे। पहले चरण में लखनऊ समेत 11 जिलों में ई स्टाम्प मिलेंगे। नए साल से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, आपको बता दें कि नए साल से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। ई स्टाम्प की कालाबाजारी पर रोक को लेकर फैसला आया है, आपको बता दें कि ई स्टाम्प की कालाबाजारी को लेकर फैसला आया है। अब पोस्ट ऑफिस में ई स्टाम्प मिलेंगे, आपको बता दें कि अब पोस्ट ऑफिस में भी ई स्टाम्प मिलेंगे। पहले चरण में लखनऊ समेत 11 जिलों में ई स्टाम्प मिलेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है, लालकुआं इलाके में पड़ने वाले घर में आग लगी है। आपको बता दें कि सक्री गलियों में घर में आग लगी है, आपको बता दें सक्री गलियों में मौजूद घर में आग लगी है। आग लगने के दौरान घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, आपको बता दें कि आग लगने के दौरान घर में जो लोग मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की टीम पहुंची, मौके पर फायर विभाग ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचकर फायर विभाग ने आग पर काबू पाया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित लालकुआं इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है।
संत कबीर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तीन बेटों संग कुएं में मां कूद गई। आपको बता दें कि तीन बेटों संग मां कुएं में कूद गई है। संत कबीर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला समेत दो बच्चों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है एक बच्चे की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। संत कबीर नगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मां अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि सीतापुर से ये बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर घटना की सूचना मिलते ही पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर जनपद के पिसावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सीतापुर से ये बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तीन लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बदायूं दौरा है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बदायूं दौरा है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। केशव मौर्य सम्राट अशोक की मूर्ति के अनावरण में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि केशव मौर्य आज बदायूं दौरे पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं दौरे पर है, जो आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण